Like, subscribe and share, please. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोटपैड। नोटपैड एक्चुअली में एक प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नोटपैड बच्चों के लिए बहुत बेहतर टूल्स है। इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जो बच्चों को काफ़ी बेहतरीन टाइपिंग वगैरह करने में, या बड़े लोग भी जो टाइपिंग सीखते हैं, हम लोग जो टाइपिंग मास्टर पर या कोई भी टाइपिंग के सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग सीखते हैं, इसमें क्लियरिटी नहीं आती। इसमें आप केवल अपने फिंगर को एडजस्ट कर पाते हैं। आपको बेहतर टाइपिंग अगर करना है तो नोटपैड में बहुत ही बेहतरीन होता है। तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोटपैड। नोटपैड में हम लोग सबसे पहले विस्तारपूर्वक एक एक चीज़ को जानेंगे कि नोटपैड है क्या, नोटपैड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नोटपैड से हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एक डेफिनेशन भी देख लें कि नोटपैड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोटपैड इट इज़ ए बेसिकली डिजाइन फॉर सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इट इज विंडोज प्रोग्राम एंड डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इट्स प्रोवाइडिंग सम मेनू एंड ऑप्शन। ये जो टूल प्रोग्राम है हमारा नोटपैड, ये सिंपल वर्ड प्रोसेस करता है। सिंपल वर्ड को टाइपिंग वगैरह करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्योंकि ये जो है, हम जब विंडोज डालते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमको, ये प्रोग्राम हमको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम MS विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हम इसमें इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, तो उसके साथ हमको नोटपैड आसानी से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रोग्राम को खोलेंगे कैसे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है खोलने में कि हम लोग इस प्रोग्राम को खोलेंगे कैसे। तो खोलने के लिए सिंपल सा हम लोग एक स्टार्ट बटन पर जाएंगे। ये स्टार्ट बटन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ये आपके सामने दिख रहा होगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो है SS सीरीज मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे और भी हम ध्यान क्लियर कर दें कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 से ऊपर है तो आपको मिलेगा विंडोज SS सीरीज, और अगर आपके पास विंडोज 8 से नीचे का वर्सन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मिलेगा SS सीरीज। इस SS सीरीज पर क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें हमारे यहाँ ऊपर आएंगे तो नोटपैड लिखा हुआ मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नोटपैड हमारा खुल करके सामने आ जाएगा। आपके सामने नोटपैड दिख रहा होगा। नोटपैड का यही स्ट्रक्चर है। एक तरीका और हम बताते हैं आपको नोटपैड खोलने का, इसको हम पहले काट देते हैं। नोटपैड खोलने के लिए हमारे पास एक और जो दूसरा तरीका है वो है हमारा शॉर्टकट। शॉर्टकट से हम लोग कैसे नोटपैड को खोलेंगे ये देखते हैं। शॉर्टकट से खोलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विंडोज प्लस R की दबाएंगे। विंडोज और R की को एक साथ दबाएंगे तो रन ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा एक खुल गया हमारे पास एक ऑप्शन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, नोटपैड इसमें हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, नोटपैड, NOTEPAD। नोटपैड लिखने के बाद इसमें यहाँ पे ओके बटन है। ओके बटन पे या तो क्लिक करेंगे या तो इंटर दबा देंगे। जैसे ही इस पर ओके करेंगे हमारे सामने नोटपैड खुल करके आ जाएगा। जैसे ही नोटपैड हमारे सामने खुल करके आ जाएगा, अब इसमें हम लोग कुछ काम करते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में पहले स्ट्रक्चर समझ लें कि ये जो है ऊपर में दिख रहा है वो मेनू बार है। यहाँ पे मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इसका क्या काम है। मिनिमाइज से ऐसे नॉर्मल हम बता देते हैं, रिड्यूस होता है प्रोग्राम, नीचे रिड्यूस हो जाता है और एक क्लोज से कट जाता है। यहाँ पे जो है फाइल मेनू है। फाइल मेनू में इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं। एडिट मेनू है। एडिट मेनू में इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं। फॉर्मेट मेनू है। फॉर्मेट मेनू में इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं। व्यू है एंड हेल्प है। हम लोग बारी बारी से इस सारे मेनू के जितने भी टूल्स हैं, एक एक टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ भी करने के पहले, कुछ भी बताने से पहले, हम लोग कुछ पहले डाटा टाइप करते हैं। एक डाटा हम लोग टाइप कर लेते हैं सिंपल सा, कंप्यूटर इज एन
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये डाटा हम लोग सिंपल से एक टाइप कर लिए हैं। अगर और भी अगर हमें टाइप करना है तो हम लोग टाइप कर लेते हैं और भी, इसके साथ ही हम लोग इसको जो है डाटा को 4-5 लाइन जो है हम लोग टाइप कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी होगा। चलिए हम लोग 3 लाइन टाइप कर लिए हैं। 3 लाइन टाइप करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे ज़रूरत पड़ता है इसमें फाइल मेनू का, डाटा को सेव करने के लिए। जब हम लोग कोई चीज़ बना देते हैं तो इसको सेव कैसे करेंगे, इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब डाटा तैयार हो गया पूरी तरह से हम टाइपिंग कर लिए उसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू पर जाते हैं तो यहाँ पर न्यू ओपन सेव सेव एज मिलता है, तो हमको सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल एस भी हम दबा सकते हैं। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको मांगेगा फाइल का नाम। आपको फाइल का नाम सेव करना है, किस नाम से आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। नीचे रहता है सेव एज टाइप, ये आपका .txt में ही रहेगा क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है। आपका नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। और यहाँ पे नाम हम दे देंगे ऑनलाइन पढ़ो सीखो। इस नाम से एक हम फाइल बना दिए। इस फाइल को हम लोग को जहाँ सेव करना है उसका लोकेशन पाथ देना होता है। तो यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप दिख रहा है तो ये डेस्कटॉप पर डाटा हमारा सेव होगा। अगर हम और दूसरे जगह सेव करना चाहें, सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं सेव करना चाहें, तो यहाँ पर ऐसे आकर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करके देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ो सीखो के नाम से सेव करते हैं। जैसे हम लोग सेव करेंगे, ये पहले से डाटा भी सेव है इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट पूछ रहा है, इसको ओके कर देंगे तो ये सेव हो गया। जैसे हमारा डाटा सेव हो गया अब हम लोग इसके टूल्स को समझते हैं सेव एज को। सेव एज क्या है, जैसे ये डाटा में हमको कुछ चेंजिंग करना है और भी हमको यहाँ पे कुछ टाइप करना है। अगर हमको लिखना है कि चार्ल्स बेबेज वाज डेवलप फर्स्ट कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज जो है फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किए थे, ये हमको लिखना। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हम यहाँ पे सेव कर देते हैं फाइल में आकर के तो डॉक्यूमेंट उसी में जाकर के सेव होगा, हमको अलग से सेव नहीं होगा। हमको क्या चाहिए कि डॉक्यूमेंट को, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अलग सेव हो, मतलब ये भी डॉक्यूमेंट रहे और नया वाला भी सेव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं फाइल मेनू पर और सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने। इस डायलॉग बॉक्स में हम लोग पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो सीखो 1 कर देते हैं और यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव हो गया है। दोनों डॉक्यूमेंट हम लोग देख सकते हैं खोल करके। अब अगर इसको हमको खोलना है, जैसे ये फाइल हमारा बन गया, अब नया फाइल कोई चीज़ बनाना चाहते हैं हम लोग, नया अगर बनाना चाहते हैं तो नया बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये नया मिल गया, नया पेज मिल गया। अगर हम चाहते हैं इसमें अगर नया बनाना तो नया बना लेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो पहले हम बनाए हैं उसको खोलें, जो अभी सेव किए हैं उसको खोलें, उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, ओपन में जाएंगे या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ दबाइएगा तो ओपन क्लिक हो जाएगा। ओपन पे जाइएगा तो इसमें आपको सबसे पहले पूछेगा पाथ कहाँ सेव किए थे आप। हम लोग डेस्कटॉप पर सेव किए थे तो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि कहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन पढ़ो सीखो 1 और एक है ऑनलाइन पढ़ो सीखो 1, यानी कि दोबारा जो हम लोग सेव एज किए थे वो वाला है। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और ओपन पे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो हमारा नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, ओपन सेव किया हुआ खोल सकते हैं, सेव एज और सेव डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। पेज सेटअप और प्रिंट, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कोई भी जब डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं
तो हमारा पेज सेटअप और प्रिंट दो को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसको समझने के लिए ये जो डाटा हम टाइप किए हैं इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले हम लोग इसको पेज का सेटिंग करते हैं। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग के सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बता देते हैं। यहाँ पे हमें लेटर का साइज चूज करना है, A4 या लेटर, ये दो ही में से कोई एक हमको चूज करना है कि कौन सा पेपर पे हमको प्रिंट करना है, तो लेटर हम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं पोर्ट्रेट में क्या होता है। यहाँ पे ऐसे क्लिक, ये जो है हमारा पोर्ट्रेट मोड है। जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करेंगे ये पोर्ट्रेट मोड है। लेकिन अगर हमको यही करना होगा, अगर के लैंडस्केप मोड में अगर जाना होगा तो हमारा ये जो है ये हमारे सामने जो दिख रहा है ये हमारा लैंडस्केप मोड हो गया। इसको हम लोग सेटिंग और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है इस डॉक्यूमेंट, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ये लेफ्ट राइट टॉप और बटन का सेटिंग करते हैं। ये जो पेज है ये पेज के लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप मतलब ऊपर में और बॉटम मतलब नीचे में कितना जगह छोड़ना है। जैसे यहाँ से हम लोग अगर एक देखें यहाँ पर तीन हम कर देते हैं, तीन अगर छोड़ते हैं तो अब क्या होता है। अगर हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि अगर तीन करते हैं यहाँ पे तो ये देखिए आपके सामने ये जो एरिया है ये एरिया आपके सामने का ये आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो जगह है ये छोड़ करके प्रिंट। उसी तरह आप टॉप पे देखिए, टॉप जो है टॉप का अगर हम करते हैं यहाँ पे अगर यहाँ भी तीन करके देखते हैं तो क्या हुआ ऊपर में ऊपर साइड में हमारा यहाँ से लेकर के ये एरिया जो है हमारा ये एरिया दोनों एरिया को छोड़ करके ये प्रिंट होगा। इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरिया में हमारा प्रिंट नहीं होगा, ये जितना एरिया ये दिख रहा है इसमें हमारा। उसके बाद हम लोग बाकी सेटिंग सेम एज इट इज छोड़ देंगे और इसको ओके कर लेंगे तो हमारा पेज का सेटअप पूरी तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, फाइल में जाएंगे या फिर कंट्रोल पी दबाएंगे या प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ प्रिंट पर हम लोग क्लिक करते हैं ये प्रिंटर का सेटिंग आपके सामने खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे आपका प्रिंटर का नाम शो करेगा, जैसे जो जो प्रिंटर आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा वो प्रिंटर सारा यहाँ दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग आकर के प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। इन केस आपको अगर इसी पेज का चार पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पर आकर के इसको आप चार नंबर दे दीजिएगा। जैसे ही चार नंबर दीजिएगा तो प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है चार ठो पेज प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रिंट तो हमको करना नहीं है, हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें का सारा टूल्स, एग्जिट हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग एडिट के टूल्स में। एडिट में जो है इतना सारा टूल्स दिया हुआ है, इसको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कट कॉपी पेस्ट। इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम में काम करने के लिए जो है आपको कट कॉपी पेस्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे माउस की सहायता से लेफ्ट बटन दबाते हुए हम लोग इस तरह से खिसकाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इतना जो है लेटर हम सेलेक्ट कर लिए। इसको हमको क्या करना है, कट और कॉपी में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि क्या होता है। कट और कॉपी दोनों में अंतर हमारा ये होता है कि अगर के कॉपी करते हैं तो जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं वहाँ भी रहेगा और जहाँ पर लेकर के जाएंगे वहाँ भी रहेगा। अगर हम कट करते हैं तो जहाँ से हम लोग उठाते हैं वहाँ नहीं रहेगा और जहाँ लेकर के हम लोग जाते हैं वहाँ पे रहेगा। तो ये क्या करें, हम लोग इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए हैं। कॉपी हम लोग एडिट में जा कर के इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किए तो डाटा यहाँ भी है और हमको रखना कहाँ है, यहाँ या इसके नीचे। इसके नीचे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ क्लिक करके लास्ट में और इंटर दबाइएगा तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे एडिट में जाइएगा और फिर से पेस्ट पर जब क्लिक कर देंगे तो ये जो ये डाटा हम लोग यहाँ से जो सेलेक्ट किए थे वही डाटा हमारा यहाँ पर भी आ गया, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कॉपी और पेस्ट। अब देखते हैं कट और पेस्ट क्या होता है। कट पेस्ट करने के लिए फिर से हम लोग इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिए और एडिट में गए। एडिट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कट पर क्लिक करेंगे। कट पर जैसे हम लोग क्लिक किए तो यहाँ से देखिए डाटा हमारा कट हो गया, यहाँ का डाटा अब नहीं है, ये सारा डाटा खत्म हो गया। हमको रखना कहाँ है, यहाँ रखना है। तो यहाँ पर आ करके हम लोग कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल भी दबाएंगे या फिर पेस्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये डाटा देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट करेंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं एडिट में, हमारा जो है अंडो डिलीट देखते हैं। डिलीट क्या होता है, डिलीट करने के लिए हम लोग इसको डाटा को सेलेक्ट करते हैं, इतना को सेलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए एडिट में जाएंगे और यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाइएगा तो भी आपका डिलीट हो जाएगा, और एडिट में जाकर डिलीट पर क्लिक कीजिएगा तो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डिलीट करते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका डाटा गलती से डिलीट हो गया, आपको डिलीट करना नहीं था लेकिन आपका डाटा डिलीट हो गया, तो उसको कैसे हम लोग रिटर्न लाएंगे। रिटर्न लाने के लिए हम लोग इसी एडिट में जाएंगे, एडिट पर जा करके और यहाँ पर ऊपर में दिखा होगा अंडो, अंडो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिर से डाटा जो है वापस रिटर्न आ जाएगा। तो अंडो हमारा जो डिलीट होता है डाटा, या हम लोग पीछे जो पीछे काम किए हुए रहते हैं उस पोजीशन पर हम लोग डाटा पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिलीट करेंगे। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है, खोजना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पे फाइंड है, ये फाइंड क्लिक किए, फाइंड पर जैसे क्लिक करते हैं एक हमारा डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें लोग कोई भी चीज़ खोज सकते हैं। अब खोजने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट शुरुआत में हम लोग क्लिक कर लेते हैं, शुरुआत में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे डिवाइस। क्या टाइप करेंगे, डिवाइस टाइप करेंगे, ये डिवाइस हम लोग को खोजना है। फाइंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो ये खोज के हमको बताएगा कि डिवाइस यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर दूसरा खोज के बताएगा कि यहाँ डिवाइस है। इस तरह से सारा जहाँ जहाँ डिवाइस लिखा हुआ होगा, टाइप किया हुआ होगा, वहाँ वहाँ ये खोज करके हमको बता देगा। लेकिन इसमें ये तो नॉर्मल है, एक चीज़ इसको जानना बहुत ज़रूरी है, अप और डाउन जो डाउन दिया हुआ है इसको हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। अगर हमारा कर्सर पॉइंट यहाँ है, लास्ट में है, तब हम लोग अप करेंगे, अप करेंगे और फाइनेस्ट करेंगे तो ऊपर की ओर ये खोजते हुए जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर खोजते हुए जाएगा। और अगर डाउन पर क्लिक कर देंगे तो ये नीचे की ओर खोजते हुए आएगा। तो समझ गए होंगे, फाइंड फाइंड के लिए जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ होता है, इसको हम काट देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोल एच, रिप्लेस। रिप्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, वर्ड को, लेटर को बदलना, किसी भी लेटर के जगह पर नया लेटर को लाना। नया लेटर लाने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारे पास जहाँ पे इज लिखा हुआ है वहाँ पे हमको क्या करना है, आर करना है, या फिर हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे हमको कर देना है इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से हमारा चेंजिंग होगा, हम लोग इज को आर करते हैं। इज को आर करने के लिए सबसे पहले आएंगे इसमें, लिखा हुआ फाइंड व्हाट, क्या किस चीज़ को बदलना चाहते हैं, तो इज को, इज यहाँ पर टाइप कर देंगे। और इज टाइप करने के बाद हम लोग रिप्लेस विथ, इसको किस चीज़ में बदलना है, तो आर में बदलना है, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। इसके बाद रिप्लेस करेंगे, इसमें भी हमको वही ध्यान देना है कि कर्सर पॉइंट जो हमारा है यहाँ अप में होना चाहिए, अप में रहेगा तो ऊपर से हमारा हर जगह चेंज करता आएगा। रिप्लेस करेंगे पूछेगा यहाँ करना है, रिप्लेस करेंगे तो कर देगा, इस तरह से हमारा रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर सबको एक ही बार में करना है तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अगर इस पर टिक लगा देते हैं तो मैच केस, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि आई एस अगर कहीं पे किसी वर्ड के बीच में है तो इस तरह से लिखने पर उसमें भी रिप्लेस कर देगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच कीजिएगा तो वो स्पेस रहेगा तभी जो है हमारा रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे, एक ही बार में जो है हमारा टोटल जगह चेंजिंग हो जाएगा। तो इस ये है हमारा रिप्लेस। उसके बाद हम लोग आते हैं गो टू। गो टू आप ध्यान रखिएगा कि गो टू किसी किसी विंडोज में, अगर आपका विंडोज
दूसरा है तो मे भी कभी कभी काम भी नहीं करता है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसका काम जो है किसी भी लाइन पर जाने के लिए यूज करते हैं, जैसे ही गो टू कंट्रोल जी दबाते हैं तो हम लोग जिस लाइन पर चाहें उस लाइन पर जा सकते हैं। जैसे अभी चौथा लाइन पर जाना है तो यहाँ पर चार टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे तो हम लोग चौथा लाइन पर पहुँच जाएंगे। देखिए मेरा कर्सर पॉइंट चौथा लाइन पर होगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, चौथा नंबर पर है। तो ये गो टू का काम है हम लोग किसी भी लाइन पर जाने के लिए। सेलेक्ट ऑल आपको पता होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा डाटा हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट सकते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके माउस के ऊपर की ओर खिसकाते हुए भी हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डाटा हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अब अगर हमको चाहिए यहाँ पे कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम का जो डेट और टाइम है वो यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट में जा करके लास्ट ऑप्शन है टाइम एंड डेट, इस पर क्लिक करते हैं तो ये कंप्यूटर सिस्टम का डेट और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम का डेट आपका गलत है तो ये गलत ही आएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट की F5 से भी कर सकते हैं, F5 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में हमारा दो है, एक वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड रैप क्या करता है। वर्ड रैप जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रॉल यहाँ पे नीचे होगा, ये हट जाएगा, और जैसे हम लोग वर्ड रैप को यहाँ पे अनचेक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल आपका आ जाएगा, ताकि लेफ्ट राइट आप पेज को घुमा सकें, इसके लिए ये वर्ड रैप है। उसके बाद हम देखें फॉन्ट। फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉन्ट पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट, किस तरह का फॉन्ट आपको लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई फॉन्ट एक चूज करते हैं, इस तरह का फॉन्ट हम लोग चूज कर देते हैं तो ये फॉन्ट हो गया। अगर साइज इसका हमको बड़ा करना है, मान लीजिए 36 करना है, तो 36 पर हम लोग क्लिक करके ओके करेंगे तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा और इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है, हिंदी टाइपिंग सीखना है, तो भी आप फॉन्ट में जा करके और यहाँ से आप हिंदी बदल सकते हैं। इसमें देख लीजिएगा हिंदी आपके पास फॉन्ट होगा, ये फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा। अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट नहीं होगा तो हिंदी फॉन्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको हम लोग जैसे ही ओके करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। अब अगर हमको हिंदी में कोई चीज़ लिखना है, जैसे लिखना है कमल, तो हम लोग आराम से कमल लिख सकते हैं। लिखना है जैसे राज, तो हम लोग राज भी आराम से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हिंदी भी टाइपिंग करने के लिए हमारा फॉर्मेट मेनू में काम आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर्मेट मेनू में। तो व्यू में कोई खास नहीं है, स्टेटस बार है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्प आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से बहुत सारे वेबसाइट दिया हुआ है, हम खोल कर दिखा देते हैं। इस पर आप जा करके क्लिक करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे व्हाट इज नोटपैड, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके भी आप अपने नोटपैड को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसमें नोटपैड को बहुत अच्छे तरह से सीख लिया होगा। इसमें आप वर्क कीजिएगा, काम कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिनको और भी कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत है उनको भी ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी नोटपैड सीख सकें। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है वर्डपैड का, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखे ये भी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या हम लोग सीख रहे हैं। तो इसमें नोटपैड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान गए अच्छी तरह से, नोटपैड कैसे खोलेंगे, नोटपैड को खोलने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स को हम लोग सीख गए, यूजिंग ऑफ, जैसे सेव करना, कट करना, कॉपी करना, जितने भी टूल्स दिए हुए सारे टूल्स को हम लोग सीख गए। साथ साथ हम लोग इसको प्रिंट करना और उस प्रिंट के जो पेज होता है उसको सेटिंग करना भी सीख गए हैं। पेज को भी हम लोग सेट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्ट्रक्चर, नोटपैड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम लोग सीख गए हैं। तो इस तरह से हम लोग